हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्वेश। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, द कंपनी का नाम है यूनियन सिटी बैंक लिमिटेड। एंड यूनियन सिटी बैंक में मुझे क्या दिखता है नया, वी विल चेक इट आउट हेयर। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं पर्टिकुलर सिटी यूनियन बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सिटी यूनियन बैंक की वेबसाइट में हम जाएंगे, देखेंगे क्या क्या करती है ये बैंक। बेसिकली इट इज लाइक ए पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तरह बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है ये। और ये पर्सनल लोन देते हैं, पर्सनल लोन में ये सारे इनके प्रोडक्ट लिखे हैं, और गोल्ड लोन देते हैं, और एमएसएमई लोन भी जा देते हैं, कॉरपोरेट लोन भी है, एग्रीकल्चर भी है, एनआरआई भी है, और टेक बैंकिंग भी है, मतलब है जो आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से इन्होंने टाइप कर रखा वो भी इनका बिजनेस है, इंस्टा लोन भी है, और कई सारे ये प्रोडक्ट हैं जो अदर बैंकों की तरह काम करते हैं, वही टाइप का इनका प्रोडक्ट भी है। सो इट इज ग्रोइंग बैंक इन साउथ रीजन, साउथ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है बैंक। एंड चलिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है सिटी यूनियन बैंक इज अ लिमिटेड इज अ बैंकिंग कंपनी एंड बैंक सेगमेंट इंक्लूड ट्रेजरी एंड कॉरपोरेट एंड होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग ऑपरेशन सोर्स द कंपनी की वेबसाइट से इन्होंने सारा डाटा लिया है, ठीक है ना। अब हम देखें ना, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका 21% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% है, ग्रॉस एनपीए 5% है, और नेट एनपीए 3% है, ठीक ठाक है। कासा रेशियो 32% है। ब्रांच नेटवर्क की बात करते हैं तो कंपनी के पास 727 ब्रांचें हैं और 644 लोकेशन में, और साउथर्न रीजन में इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्रांचें हैं इनकी, 644 ब्रांचें इनकी साउथर्न रीजन में है, और 495 ब्रांचें इनकी सेमी अर्बन में ब्रांचेज हैं, और खासकर इनकी जो ब्रांचें हैं तमिलनाडु में हैं, और साउथ में गोल्ड लोन ज़्यादा होते हैं, तो गोल्ड लोन से इनकी काफ़ी अच्छी लोन आते हैं और काफ़ी अच्छा इनका इंटरेस्ट वहाँ से अर्निंग होती है। इनके पास 732 एटीएम है। अगर हम लोन बुक की बात करें तो मेन फोकस बैंक की लैंडिंग एमएसएमई, रिटेल, होलसेल, ट्रेड इंक्लूडिंग द प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एमएसएमई लैंडिंग से इनके पास 39% आता है टोटल लोन्स का है, फॉलोड बाई 18% एग्रीकल्चर का है, होलसेल ट्रेड 9% है, और ज्वेलरी लोन नॉन एग्री यानी 8% है, और सीआरई 7% है, हाउसिंग 5% है। एक्सपोजर क्या है, कंपनी बैंक की जो लोन बुक है वो 10% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है, और फॉलोड बाई मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट 4%, इंजीनियरिंग में 2% दिया है। अदर बिजनेस में क्या है, इन फाइनेंशियल 2022 में इंटरेड बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के साथ इनका टाइप हुआ है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हुआ है, टाटा एआई के साथ लाइफ इंश्योरेंस का हुआ। तो कोई भी बैंकें हैं, जितनी बैंकें कहीं ना कहीं ये लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती हैं, तो ये इनके जस्ट लाइक ये एजेंट बन जाते हैं या पार्टनर हो जाते हैं, तो उनसे इनको अलग इनकम आती है। डोमेस्टिक ट्रेजरी यहाँ पे दिया गया है और फंड रेज के बारे में बताया। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ग्रो है, जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में जब भी बैंक के बारे में बताता हूँ, तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ग्रो है और ये सब चीज़ें ग्रो होनी है धीरे धीरे करके, इन सब चीज़ों में कभी कोई कमी नहीं आने वाली है। कंपनी की मार्केट कैप देखें ना, तो तकरीबन 9662 करोड़ की मार्केट कैप है, और स्मॉल कैप की बैंक है एक तरह से, बट ब्रांचें अच्छी है और साउथ में अच्छी खासी पकड़ है इनके पास। और करंट प्राइस 130 रुपये है, और फुल लो ऑल टाइम हाई के पास तो नहीं है, बट लो 52 वीक का हाई 205 एंड 118 इनका लो गया है 52 वीक का, तो 118 यानी 130 के आसपास ही वी कैन से दैट। एंड स्टॉक का पी 10.4 है, इंडस्ट्रीज की पी 13.4 है, तो उससे भी आपको रीजनेबल मिल रहा है, और बुक वैल्यू 89 है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, और डिविडेंड भी देती है 0.77%, ROE काफ़ी कंफर्टेबल जोन में है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, और प्लैज परसेंटेज कुछ है नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग भी 0.3, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 73.9 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 928 करोड़ इनके पास प्रॉफिट आ रहा है। 3 साल पहले मार्केट कैप इनके पास 15,046 करोड़ की थी, अभी कम है यानी शेयर का प्राइस डाउन है। इंडस्ट्रीज का पी मैंने आपको बताया ऑल टाइम हाई 249 गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 8.05 पे, ईपीएस भी 12.6 की जनरेट हो रही है, बाकी के पॉइंट दिए गए यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट के। अभी इनके मार्च के रिजल्ट नहीं आए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी कुछ ठीक ठाक अच्छा कर रही है, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस ईयर। एंड अगर हम दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2022 की जर्नी देखें, तो अभी जो रेवेन्यू आए हैं कंपनी के दिसंबर 22 में, वो हाईएस्ट एवर आए हैं, 1206 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट हुए हैं। और वहीं पर अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी इज इन फाइनेंस प्रॉफिट। बैंकिंग सेक्टर में ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि कंपनी एटलीस्ट फाइनेंसिंग प्रॉफिट में तो आए, 1 करोड़ आए, लेकिन क्या फाइनेंसिंग प्रॉफिट में आए, तो
कंपनी इज इन फाइनेंसिंग प्रॉफिट, अभी 49 करोड़ का इनके पास फाइनेंसिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है और फाइनेंसिंग मार्जिन 4% है। अदर इनकम इनके पास काफ़ी अच्छी है, 224 करोड़ की इनके पास, तो वो अदर इनकम भी हाईएस्ट एवर है, रेवेन्यू भी हाईएस्ट एवर है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 273 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 218 करोड़ दिसंबर में आया था, हाईएस्ट एवर नहीं है, बट क्या कह रहे हो कि अगर इस दिसंबर का हम लास्ट दिसंबर से कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा है। कभी आपको क्वार्टर वाइज रिजल्ट, अगर कोई लास्ट क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट नहीं आए पर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर से देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, और उससे लास्ट देखें तो ग्रोइंग है, 170, 196, 218 और एक 192 आया, फिर 172 आया, थोड़ा सा कम हुआ, बट ग्रोइंग है आज, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मेरे हिसाब से। और अगर हम बात करें EPS की, 2.94 का जनरेट हुआ। ग्रॉस NPA काफ़ी कम हुए हैं, जब जहाँ पर हम पिछले साल में देखें तो दिसंबर 5.21 का था, अभी 4.62 इनका ग्रॉस NPA है, और नेट NPA 3.44 से 2.67 गया है। तो नेट NPA और ग्रॉस NPA में काफ़ी अच्छी कमी आई है लास्ट ईयर से, और कंपनी इसी हिसाब से ग्रो करती है मेरे हिसाब से। जब NPA कम होता है तो प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ती है, तो ये कम से कम बुक क्लीन होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर दिख रहा है ट्रेवल ट्रेलिंग 12 मंथ में 4536 करोड़ का, और फाइनेंसिंग प्रॉफिट 370 करोड़ दिख रहा है, वो भी हाईएस्ट एवर है, और बीच में 2019 में 472 आया था बट उसके बाद हाईएस्ट एवर दिख रहा है, बट मार्च के रिजल्ट अभी भी आने को है। और फाइनेंसिंग मार्जिन 8% है, अदर इनकम भी हाईएस्ट एवर है, 818 करोड़ की है, तो दैट इज ऑल्सो गुड हेयर। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर, 1188 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ में दिख रहा है। और नेट प्रॉफिटिटी की बात करें तो इट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर, 928 करोड़ इनका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ में दिख रहा है, और मेरे हिसाब से रिजल्ट भी इसी आसपास आएंगे। तो बैंकिंग में जब इनकी नेट प्रॉफिटिटी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट और इनकी बैलेंस शीट काफ़ी इंप्रूव हो रही है, नेट NPA कम हो रहा है, ग्रॉस NPA कम हो रहा है, तो दैट इज ए गुड प्लस साइन कहीं ना कहीं। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो शेयर कैपिटल 74 करोड़ का है, रिजर्व इनके पास 6512 करोड़ का रिजर्व है इनके पास, जिस कंपनी के पास तकरीबन 6600 करोड़ खुद का है, कंपनी मार्केट कैप 9000 करोड़ के आसपास है, बोरिंग भी 53000 करोड़ के पास है, बोरिंग बढ़ रही है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन, नए नए डिस्पर्सल तभी हो पाएंगे। और फिक्स असेट 215 करोड़ का है, दैट इज ऑल्सो गुड हेयर। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पिछले 4 साल से पॉजिटिव है, गुड साइन है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात कर लें तो FI के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, पिछले 3 साल में बढ़ाई भी है, 24.95 हुई है, DI ने भी 30 पॉइंट से 36 हुई है, और पब्लिक के पास होल्डिंग कम हुई, पब्लिक के पास एज सच यहाँ पर 245 तकरीबन पब्लिक के पास यहाँ पर 33% के पास होल्डिंग है। मेरे हिसाब से इस टाइप की बैंक के सेगमेंट में ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए स्मॉल कैप बैंक, एक 10000 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास है, सो ऑल ओवर मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न में, तो चार्ट पैटर्न में मुझे अभी क्या दिख रहा है, चार्ट पैटर्न में एक बहुत अच्छा सा, यहाँ पे जब हम पैटर्न देखते हैं ना, तो एक तो इसका जो हाई गया था, नियरेस्ट हाई दिस इज द 249 के आसपास है, एंड अभी जो ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस सपोर्ट को काफ़ी ट्राई किया है, 2020 से इसी सपोर्ट रेंज में घूम रहा है, और फिर इसने अभी ये गैप छोड़ के नीचे आया था, और ऐसा नहीं कि रिजल्ट काफ़ी ख़राब हुए हैं, मेरे हिसाब से रिजल्ट काफ़ी अच्छे गए हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा W पैटर्न से बनता हुआ नज़र आ रहा है, यू कैन चेक इट आउट, एक इधर आया, एक इधर गया, ये W पैटर्न से बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इस शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट देखें तो मुझे जो शॉर्ट टर्म में टारगेट लगता है वो ये, इसका ये पॉइंट लगता है, दिस इज़ द या सो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट देखें कि कितना आ सकता है, तो इट इज नियर अबाउट 52% आता हुआ दिख रहा है, और 52% अगर 1 ईयर में भी आ जाए तो काफ़ी अच्छा है, 50% आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और 50% अगर 1 साल में आ जाए तो काफ़ी अच्छा है। मेरे हिसाब से ये आना भी चाहिए, बिकॉज मार्केट भी एक तरह से रेंज बाउंड में घूम रही है तकरीबन 1-1.5 साल से, और उसके बाद ये सब चीज़ें हटेंगी और कहीं ना कहीं से ऊपर जाने का मौका मिलेगा। सो आई होप ये सिटी बैंक का आपको चार्ट स्टडी अच्छी लगी होगी, और खासकर फाइनेंशियल एज वेल एज बैंक का बिजनेस। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। टिल दैट टेक योर सेल्फ, बाय बाय।